नमस्ते हिंदुस्तान, मैं हूं आपका एक्सपोर्ट कंसल्टेंट सागर अग्रावत। ये वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर कौन से प्रकार की इनकोटम्स होती है। मतलब हमारे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसमें हम कौन सी प्रकार की इनकोटम्स रखें और कौन सी प्रकार की इनकोटम्स होती है, तो उसके रिलेटेड ये छोटे से वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मेन तीन इनकोटम्स है जो आपको ज्यादातर यूज करनी होगी। बाकी इनकोटम्स 11 टाइप्स की है, आपको मैं समझाता हूँ। तो उसमें से पहली इनकोटम्स जो है वो है CIF, जिसको बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो पहली टर्म्स है CIF। सेकंड जो इनकोटम्स है वो है CIP। कौन सी? CIP, उसका फुल फॉर्म होता है कैरिज एंड इंश्योरेंस पेड टू। ओके, अब यहाँ पे थर्ड जो टाइप्स की इनकोटम्स है वो है CFR, जिसको हम CNF भी बोलते हैं, कॉस्ट एंड फ्रेट। ठीक है, ये थर्ड प्रकार की इनकोटम्स है। अभी फोर है CPT, कैरिज एंड पेड टू, ये फोर्थ टाइप की इनकोटम्स है। अभी फिफ्थ है DAT, मतलब डिलीवरी एट टर्मिनल। क्या? डिलीवरी एट टर्मिनल, ये है फिफ्थ। अभी आएगा सिक्स्थ इनकोटम्स, जिसको बोलते DAP, जिसका फुल फॉर्म है डिलीवरी एट पॉइंट। क्या? डिलीवरी एट पॉइंट। अभी सेवन्थ है DDP, DDP का फुल फॉर्म है डिलीवरी ड्यूटी पेड। DDP, डिलीवरी ड्यूटी एंड पेड। अभी है EXW, जिसको बोलते XWorks, जो हमारी फैक्ट्री से जो होता है EXW। ठीक है, ये एक एक इनकोटम्स है। फिर है FAS, फ्री अलोंग साइड सिप। फ्री अलोंग साइड सिप, FAS। फिर आता है FCA, जिसको बोलते फ्री कैरियर। FCA, फ्री कैरियर। और लास्ट की जो है इनकोटम्स वो है 11 टाइप की, वो है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। क्या है? फ्री ऑन बोर्ड। तो ये 11 टाइप्स की इनकोटम्स रहती है एक्सपोर्ट के अंदर मेनली, जो आपको यूज करने की रहती है, जिसमें से मेन तीन इनकोटम्स है। कितनी? तीन, जो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज में आएगी आपके बिजनेस के अंदर, वो है CIF, वो है CFR, CNF जिसको हम बोले थे, और एक है FOB। ये तीन प्रकार की जो इनकोटम्स है वो आपको मेन यूज करनी रहेगी। तो आपको पूरी डिटेल में ये सीखना हो, मतलब ये पूरी आपको मैं 11 टाइप की इनकोटम्स बताया, इसकी डिटेल में आप सीखना हो तो आप हमारा इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 11 टाइप्स की इनकोटम्स थी जो आप रेगुलरली यूज करते हो। अभी ये तीन जो टाइप है मेन, इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये तीन इनकोटम्स का क्या थी और ये इसका क्या होता है यूज एक्सपोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम लेते CIF, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अभी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट में कैसा होता है कि आपका कोई भी बायर आपको मिलता है और आपको बोलता है कि मुझे CIF प्राइस चाहिए। तो CIF प्राइस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, आप जहां पे भी एक्सपोर्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से UAE में एक्सपोर्ट अभी कर रहा हूँ, राइट? तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे बायर ने मुझे बताया कि मुझे इंश्योरेंस भी ऐड करना है और मुझे जो आपको रेट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा दुबई तक का। तो ये टर्म्स में मैं क्या करूँगा कि मैं कस्टम हाउस एजेंट को कॉन्टेक्ट करूँगा, कस्टम हाउस एजेंट को बोलूँगा कि तू मेरा कंटेनर बुक करवा, और मैं परफॉर्मा इनवॉइस जो बनाऊँगा उसके अंदर जो भी टर्म्स रखूँगा उसमें भी लिखूँगा CIF, मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें क्या होता है कि इंडिया से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुबई की जेबेल अली पोर्ट है, जो दुबई का UAE का, वहां तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहती है, और इसके अंदर कंटेनर के अंदर इंश्योरेंस लेने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, मतलब जो आपका बायर रहेगा उसकी डेस्टिनेशन जो कंट्री रहेगी वहां पे आपको गुड्स पहुंचाना है और वहां तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और इसके अंदर आपको इंश्योरेंस भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, CIF। ये टर्म्स में आपको वहां पे आपके बायर के डेस्टिनेशन की कंट्री तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और उसके अंदर आपको इंश्योरेंस ऐड करना है, बस यही चीज है, इसको बोलते हैं CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो ये मेन यूज होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेनली बिजनेस के अंदर,
CIF टर्म्स यूज होती है। अभी सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको बोलते हैं CNF। ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली इनको टर्म्स है जिसको हम बोलते हैं कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, किसको कोई भी बोलते हैं CFR, कोस्ट एंड फ्रेट भी बोलते हैं। ये इनको टर्म्स में क्या रहता है, देखिए अभी आपको मैं पहला समझाया CIF, तो इसमें सिर्फ I निकल गया है, राइट, बीच में से जो आई था इंश्योरेंस वो निकल जाएगा, सिर्फ रह जाएगा कॉस्ट एंड फ्रेट। ओके, तो ये चीज में क्या रहेगा, आपको आपकी बायर की कंट्री में आपको सिर्फ आपका गुड पहुंचाना है, मतलब आपका कंटेनर वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इंश्योरेंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, क्योंकि आपके बायर ने इनको टर्म्स बोला था कॉस्ट एंड फ्रेट ओनली, CNF CFR। ओके, तो ये इनको टर्म्स बोला था, इसमें सिर्फ इंश्योरेंस ऐड नहीं होगा, बाकी चीज आपको सेम फॉलो करनी है। तो ये आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली सेकंड जो इनको टर्म्स यूज होता है एक्सपोर्ट में वो ये है। अभी थर्ड जिसको हम बोलते हैं FOB, जिसका फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। तो फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि आपका जो भी कंटेनर है, आपका बायर बोलेगा मुझे FOB रेट दे दीजिए, CIF रेट दे दीजिए, CNF रेट दे दीजिए, तो FOB रेट आपसे जो मांग रहा है, ठीक है। तो FOB रेट में क्या होता है कि FOB रेट में मेनली आपको आपका कंटेनर आपके इंडिया के जो पोर्ट है वहां तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्या है, इंडिया में आपके पोर्ट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आगे का जो भी प्लान होगा, आगे का जो भी कंटेनर कुछ भी काम होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो आपके कंसाइनी की है, मतलब आपके बायर की है। आपका काम आपके पोर्ट इंडिया पोर्ट तक पहुंचाने का था, वहां तक आपने पहुंचा दिया, तो आपका वहां पे काम खत्म होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड, जिसको बोलते हैं FOB टर्म्स। ओके, तो FOB टर्म्स में क्या रहेगा मेनली कि आपके कंसाइनी ने बोला कि मुझे FOB रेट दे दीजिए, तो FOB रेट में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका, फॉर एग्जाम्पल मेरा नासिक से मैं ऑनियन एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरा मेनली FOB टर्म्स में काम भी होता है, यूरोपियन कंट्रीज में और मिडिल ईस्ट में भी होता है, तो वहाँ पे मैं कैसे काम करता हूँ FOB में, तो मेनली जो भी कंटेनर है मैं बुक करवाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर के बेस पे मेरे कंसाइनी से, वहाँ से मुझे एड कौन से एक्सपेंस करने होते कि मैंने कंटेनर मंगाया, मतलब बॉम्बे से लेके नासिक तक का ट्रांसपोर्टेशन और नासिक से बॉम्बे तक का ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कस्टम क्लियरेंस भी करना है मुझे और उसमें सब डॉक्यूमेंट भी मुझे करने हैं, फिर टर्मिनल हैंडलिंग चार्जिंग, उसको बोलते THC टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, वो भी मुझे पेड करने पड़ेंगे, और उसके अलावा भी कोई भी यहाँ पे लोकल एक्सपेंसेस होता है वो सब मुझे पेड करना होता है। तो ये सब एक्सपेंस मिला के जो होता है उसको हम बोलते हैं FOB। इसमें सी फ्रेट काउंट नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सी फ्रेट काउंट नहीं होता है। तो हमको सिर्फ फ्री ऑन बोर्ड ही कंटेनर देना है, मतलब FOB कंटेनर देना है, तो हमारे इंडिया पोर्ट तक का जितना भी एक्सपेंस होता है वो हमको उसमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, बाकी का कॉस्ट हमको ऐड नहीं करना। तो ये हमारी थर्ड टाइप की इनको टर्म्स थी, जो थी FOB। तो ये मेन तीन इनको टर्म्स है जो एक्सपोर्ट के अंदर मेनली यूज होती है। आपका बायर आपको पूछेगा कि मुझे CNF दे दीजिए, CIF रेट दे दीजिए, FOB रेट दे दीजिए, तो आपको इस तरह से उसका कैलकुलेट करना है और इस तरह से उसका डिटेलिंग में आपको नॉलेज आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो यही आपकी मेन तीन इनकोटम्स थी, वैसे तो 11 टाइप की इनकोटम्स है और उनमें से मेन तीन इनकोटम्स है जो आपको डे टू डे लाइफ में आपको यूज करने को रहेगी। तो आप सभी का खूब खूब धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही प्रैक्टिकली सब आपको नॉलेज मिलते रहे, इसीलिए हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप सभी का खूब खूब धन्यवाद, थैंक यू।